Welcome friends, once again, start with problem 3. Problem 3 is that the variation of electric potential for an electric field directed parallel to the x-axis. It's shown in the given graph. Graph is given over here. Draw the variation. It is a subjective question. Draw the variation of electric field strength with x-axis. Again, the same formula we have to use, only here the difference is that we have to find for each and every value of V, we have to find out V versus R change. So minus dV by dr. So again, you are knowing that dV by dr, that can be categorized in your 11th class. I have taught you. So first let's start with that. Okay, ready? So what is that? Is whenever you are dealing with, I know everybody knows that still as a practice, let me give you the idea. Okay, there are two values. One is called as instantaneous and other ko bolte average. तो अगर किसी भी चीज़ का मैंने ग्राफ निकाला, ये सब है 11th में सब का हो गया है, सो नो नीड टू वरीड अबाउट दैट. कौन सा भी ग्राफ निकाला अगर मैंने, एट दिस पॉइंट आई वॉन्ट स्लोप, ये y और ये x. तो स्लोप निकालने के लिए आप बहुत सारे मेथड यूज़ करते हो. कोई कोई लोग क्या करते हैं, इसको इधर एक टेंजेंट निकालते हैं ज्योमेट्री के परस्पेक्टिव से, ये थीटा बोलते हैं और टैन थीटा बोलते हैं. वो बोलते हैं सर टैन थीटा हमारा स्लोप बन गया है, और उस स्लोप को क्या बोलते हैं वो, हाँ, चेंज इन y, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी को बोलते हैं हम डेल्टा y बाय डेल्टा x. तो इसको बोलते हैं हम एवरेज वैल्यू. Average value. Okay. Now, you are knowing that. Now, the same can be considered as the slope. Okay. Now, this value here, instead of y, what is given here? V as a function of y. And instead of x, it is given as r. So, aapko kya nikalna hai? E is equal to minus dv by dr. मतलब आपको पहले उस ग्राफ का स्लोप निकालना पड़ेगा. लेकिन स्लोप कैसा, नेगेटिव. बट यू टू प्लॉट द ग्राफ, जैसे ये प्लॉट किया है वैसे आपको प्लॉट करना है. तो प्लॉट करने के लिए हमारे को स्लोप निकालने का जरूरत नहीं है. स्लोप मतलब क्या करना है आपको, आपको किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हो तो आपको चेंज इन वी एंड चेंज इन आर निकालना है, बाद में माइनस ऑफ वो डेल्टा वी एंड डेल्टा आर करना है. सब मैंने सॉल्व करके दिया है, ये तो आपको सब हुआ होगा आपकी बेसिक में, सो आई एम नॉट वरीड मच मोर अबाउट दैट. लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सेम एज प्रॉब्लम 2, ओनली here don't take the differentiation, directly put the value. Okay, so we'll start with first value. Let's wait, I'll pause it for a while. Okay, so first of all we'll go from 3 to 2. 3 to 2, if you'll see here v is constant, so delta v will be 0. मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको zoom कर लेता हूँ, so that you will get the good idea. बस देख ले, 3 to 2 में क्या है, और इधर r लिखा है ना मैंने, वो r मत ले लो, उसको डेल्टा r, वो गलती से मैंने फास्ट फास्ट लिख दिया ना, उसको डेल्टा कर सब जगह.
देखो डेल्टा आर कितना होगा, थ्री एंड टू, उसमें से डिफरेंस वन, ओके दैट इज आर टू माइनस आर वन, वी में वी टू माइनस वी वन। देखो भाई अगर वी जीरो ही है मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है, जीरो मतलब इनिशियल वैल्यू भी टेन है उसका, टू को भी फाइनल वैल्यू भी टेन है, तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जीरो आएगा, ये समझा आपको। नेक्स्ट थिंग, नाउ गोइंग फ्रॉम टू टू जीरो, ओके टू टू जीरो, यहाँ पे कितना है डिफरेंस है आर, और वोल्टेज है 20 माइनस 10, मतलब ये 10 हो गया, ओके बट हियर वी आर ऑन द लेफ्ट साइड, सो हाँ सो इट विल बी एक्चुअली -2 -1, ओके सॉरी -2 -0, सो इट विल बी एक्चुअली -2। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये लेफ्ट साइड को है तो जो कुछ डिफरेंस आएगा अगर वो प्लस आता है तो उसको माइनस करने का, माइनस आता है तो प्लस करने का, इसको आर को मैंने देखा नहीं, खाली वी को देखने का। इफ इट इज गोइंग लाइक दिस ऑफकोर्स इट विल द स्लोप विल कम पॉजिटिव, इफ इट इज कमिंग डाउन स्लोप विल बिकम निगेटिव, डिपेंडिंग ऑन दैट आई एम कैलकुलेटिंग वैल्यू, आफ्टर दैट आई एम चेंजिंग दैट वैल्यू टू बी माइनस ऑफ, ओके सो हियर इट विल बी माइनस, देखो कितना आएगा, ओके -10/2 दैट इज -5, तो बन गया है। अभी 0 to 1 क्या करेंगे, 0 to 1, 0 to 1 फिर भी इधर भी वो कांस्टेंट है तो इधर डायरेक्टली ई जीरो है, बाद में 1 to 2, 1 to 2 व्हाट इज देयर, 1 to 2 सो 2 -1 1 पॉजिटिव, बट स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव, सो इट विल बिकम 20 -10 10, बट सो इट इज लाइक दैट ना, सो आई विल हैव -10 एंड हियर अपॉन 2, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन माइनस, सो माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस, ओके अपॉन 2 नॉट अपॉन 1 इट इज, बिकॉज आर डेल्टा आर इज 1 1, सो हियर आई गॉट वैल्यू 10, सो फर्स्ट वैल्यू कितना मिला 0, बाद में -5, बाद में 0, बाद में अभी +10। अभी ये लास्ट वाले में कितना मिल रहा है देखते हैं, 2 to 4 डायरेक्टली, 4 -2 2 आता है, और ये 10 to 20 गया, मतलब इधर भी 10 ही है डिफरेंस, सो 10/2 दैट इज 5, बट लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड -2, सो इट इज -5, सो ऑल वैल्यूज आई हैव गॉट, एंड नाउ इन दिस वे आई हैव प्लॉटेड देयर, दिख रहा है सर, इसको ऐसे प्लॉट किया मैंने, ओके व्हेन इट इज 3 to 2, ओके 3 to 2 दैट वाज 0, सो एक्चुअली इट इज लाइक दैट ना, लेट मी शो यू, 3 to 2 दैट वाज 0, सो हियर दे आर नॉट शोइंग, दे आर शोइंग बाय डॉटेड, हाँ 2 को क्या हुआ वो -5 हुआ, तो इधर डॉटेड से दिखाएंगे, डायरेक्टली इधर जाएगा, बाद में इधर जाएगा, फॉर जीरो दैट वॉज अगेन 0, नाउ 1 to 2 इट बिकम 10, सो इट विल गो हियर, देन फॉर दैट इट विल रिमेन, एंड देन 2 to 4 इट विल बिकम -5, सो अगेन इट विल कम डाउन, सो दिस इज द ग्राफ। ओके सो दैट वॉज द प्रॉब्लम, विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नंबर प्रॉब्लम नंबर 4, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, वन से ओके ओके द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज शोन इन द फिगर, ये सेम है वी वर्सेस आर, ये मैं सोच रहा हूँ आपको होमवर्क देने के लिए, तो आप होमवर्क की जैसा करो वो, ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन यू, लेकिन आई हैव यू हैव टू डू इट एज अ होमवर्क, इट विल सेव माय टाइम आल्सो एंड योर टाइम आल्सो, वी कैन सी अनदर प्रॉब्लम्स, ओके लेट मी सी द टाइम, ओके 9:07, ओके वी शुड गो विद दिस प्रॉब्लम, सी प्रॉब्लम नंबर 4 होमवर्क।
लैम्डा अगेन, यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज माइनस डीवी बाय डीआर. ओके, नाउ सी द गिवन इज द ग्राफ ऑफ वी वर्सेस आर. नाउ हियर व्हाट दे वांट एट आर इज इक्वल टू 5 मीटर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे कौन से भी एक ट्रायंगल में, ओके मतलब यहाँ पे जो दिया है ना आपको, तीन ट्रायंगल दिया है ना, तीन नहीं दो ट्रायंगल है, मतलब ऐसा दिया. आइदर यू कैलकुलेट हियर हियर, इट इज सेम बिकॉज इट इज फ्रॉम 0 to 2 करेक्ट एंड इट इज हियर फ्रॉम 4 to 6. तो एट 4 पूछ रहे हैं, ओके तो ये इस पॉइंट को पूछ रहे, इस पॉइंट को मतलब ये ग्राफ का आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, ये ग्राफ का स्लोप वो निकाल के दिखाया मैंने आपको. ये देखो अगर मैं ग्राफ वो ड्रॉ किया, इधर 0 है ऊपर 5 है, वैसे ये मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट दिखाया, एक्स कोऑर्डिनेट इधर 4 है इधर है 6, इसका अगर मैंने स्लोप निकाला तो इट विल बिकम 0 माइनस 5, सो इट इज एक्चुअली माइनस 5 एंड 6 माइनस 4 इट इज 2, ऑफकोर्स -5/2 -2.5 नेगेटिव, इट विल कम नेगेटिव. ओके एंड -2.5 इज द आंसर, यू ट्राई एट योर साइड. ओके लेट मी गो फॉर अनदर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5. प्रॉब्लम में क्या दिया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 2i cap + 3j cap, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस va माइनस vb बिटवीन टू पॉइंट्स a एंड b हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन बाय ra एंड rb. ओके इसको तो सॉल्व करते हैं. तो देखो बेटा सब टाइप के प्रॉब्लम मैंने फिर से रिपीट रिपीट टेलीकास्ट करके, रिपीट टेलीकास्ट सब हो रहा है मेरा, रिपीट रिपीट करके सॉल्व करके दिखाया है. टेक द रीड ऑफ दैट and try to solve the problems and try to get the answers accordingly. I'll be happy if you get the answers. Okay, see, A is given as 2i cap + 3j cap. Okay, RA is given i cap + 2j cap. RB is given 2i cap + j cap + 3k cap. Okay, आपको मालूम है V is equal to -E.dr. ये कैसे आता है, करके दिखा तो आपको सब चीज करके दिखा दे, मतलब आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए. E is equal to -dv/dr, इसका ही कॉन्ट्रा आपने लिया, तो इंटीग्रेट करने के लिए मैंने कैसे लिखूंगा, -dv = e.dr, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, सो dv = -edr एंड v विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dv, सो v विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन e.dr, ऑफ कोर्स माइनस. इसका भी फॉर कॉम्पोनेंट वाइज इफ यू हैव टू डू इन v विल बी माइनस ऑफ, इसका ऐसे निकालो edx + ∫edy + ∫edz, मतलब जो x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट एंड z कॉम्पोनेंट दिया है उसके मुताबिक आपको करना है. इधर मैंने सॉल्व करके दिया है, देखो exdx, हाँ ये e भी वो बताना भूल गया, इसका भी x कॉम्पोनेंट डालना है इधर, e का x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट z कॉम्पोनेंट. ओके इधर e को z तो नहीं है, x और y दोनों हैं. अभी क्या करते हैं, और उसको बोलते हैं vb माइनस va, मतलब क्या b टू a में गया, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम b टू a, अपन को निकालना है va माइनस vb. ओके vb माइनस va सिंपल आता है निकालने के लिए, वो निकाल के लो और उसका माइनस करो तो आपको मिलेगा va माइनस vb, एकदम सिंपल है, वैसे करो आप तो vb माइनस va कितना आएगा, माइनस ऑफ exdx, e का x कंपोनेंट 2 dx. अभी b टू a जा रहे हैं, ओके सो a पहले आएगा ना, उल्टा होता है वो, सो 1 टू 2 वो vb माइनस va लेते हैं ना, सो vb माइनस va लिया 1 टू 2,
then only it will come, na? Upper limit minus lower limit. Upper will be final, lower will be initial. So 1 to 2, 2 dx, 2a or dx x component. Y ke liye it will be 3 dy. Here it is 2 and here it is not 3, sorry, here it is j na, this is k. K ko bhul jao kyunki idhar nahi hai na k, to k k ka kuch idhar kaam hi nahi hai, wo gol gol ghumane ke liye aapko diya hai, baaki kuch nahi hai. 3 to 1, okay, sorry, 2 to 1, lekin b pehle aayega na, b 1 aayega, to r a pehle aayega 2 aur ye 1. So fir se bata deta hu aapko, v is equal to minus e dr ex dx e y by integration. So VB minus VA, VB minus VA. So we'll go from 1 to 2. Okay, integration from 1 to 2, because here 1 hai, here 2 hai. 2 is ka x component dx. Vaise integration from now y component 2 to 1, 3 dx, dy. Okay, so uska value aata hai 2x. 2x plus 3y. So value kaise aayega? 2x plus 3y. Abhi 2x aur 3y ko, aur idhar minus hai na, bahar minus hai. So 2x ka 1 to 2, 3y ka 2 to 1. Ab iska split kiya, to upper limit 2 dala, to 2 to za 4 minus. Ye karke dikho aapko, theek hai. Kuch kuch student bolenge sir humko integration aata nahi hai, kyunki wo abhi tak aapka hua nahi hoga. Theek hai, I'll solve for you, no problem. No issues. Okay, I'll continue. It will take some 2 minutes. No problem. Integration 2 dx plus. लेकिन ये fast करूँगा मैं. आप बाद में pause करके देखो. 2 to 1. अब ये 2 dx का आएगा. 2x. ये minus बाहर ऐसे रखता हूँ. 1 to 2 plus 3y 2 to 1 minus. अभी क्या हो जाएगा? अभी 2. Upper limit minus lower limit plus 3 upper limit minus lower limit. A minus sign 2 minus 1 1. So a 1 gaya 2 plus 3 into 1 minus 2. So it will minus 1. So minus 3. Okay. Hey, sorry. Nahi, ye barabar hai. So it is. ये माइनस बाहर है, ये बाद में करनी. 2 माइनस 3 इज माइनस 1 और ये माइनस माइनस, सो इट विल बिकम 1. सो VB माइनस VA कितना आ गया? 1 आ गया. तो VA माइनस VB कितना आएगा? माइनस 1 आएगा. ओके, दैट्स ऑल. इन नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर नेक्स्ट वीडियो. लेट्स सी हाउ मच इज द टाइम. 17 मिनट्स. सो विल गो फॉर नेक्स्ट. ओके, बाय.